हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं रोज़ मिल्क केक। इसे बनाना बहुत ही सिंपल और इजी है। इसे मैं घर में बनाऊंगी बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, और जब ये आप खाएंगे तो ये मुंह में घुल जाएगा। इतना टेस्टी और लाजवाब है, जब भी आप खाएंगे तो आपको इसकी खुशबू अंदर तक महसूस होगी, गुलाब की पत्तियों की। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी दही लिया है, एक कटोरी चीनी ली है पिसी हुई, और एक कटोरी से थोड़ा कम मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अब हम इसके अंदर एक चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर पिंक रोज़ कलर ऐड करूँगी, जो हमारे केक को एक बहुत अच्छा गुलाब वाला टेक्सचर देगा, जिससे कि हमारा केक का कलर बिल्कुल गुलाबी हो जाएगा, बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों जैसा। तो चलिए हम एक विस्क की सहायता से इसे मिला लेते हैं, इस मिक्सचर को अच्छे से। इसे बस इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ इतना ही मिलाना है कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब मैंने एक कटोरी मैदा ली है, इसे छलनी की हेल्प से मैं इसे छान लूँगी, और ये अच्छे से छन चुकी है हमारी मैदा। अब मैं विस्क की हेल्प से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करके मैं ये देखूँगी कि मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल मिक्स हो गई हैं, और हमारा बैटर जो है वो के सही कंसिस्टेंसी पे है या नहीं है। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है, क्योंकि केक की कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी सही नहीं लग रही थी। अभी हमारा केक कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी बचा हुआ। और आप देखिए, अब जो बनेगा हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला केक का बैटर बनेगा। अब मैं एक मोल्ड ले इसके अंदर मैंने ये रोज़ एसेंस डाला है, जिससे हमारे केक में रोज़ की खुशबू आए जब हम इसे खाएं। तो चलिए, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं मोल्ड की तरफ। मोल्ड मैंने लिया है, जिसे मैं एकदम ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। मैंने घी लगाया है, ऑयल भी आप लगा सकते हैं, और इसके ऊपर मैदा भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसी से इसको ग्रीस कर लूँगी अच्छे से। अब मैं इसके अंदर हमारा बैटर जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी। हमारा बैटर देखो कैसे एकदम कितना अच्छा दिख रहा है इसमें जाते हुए। सारा बैटर मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसे मैं सेट करके और फिर मैं ओवन में इसे पकाऊंगी। मैं ओवन में नहीं, आज मैं इसे कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। कढ़ाई मैंने पहले से गरम करके रखी है, इसे मैं रख दूंगी इसके अंदर। अब मैं बनाती हूँ इसका मिल्क, रोज़ मिल्क। उसके लिए मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, इसमें मैंने आधी कटोरी कंडेंस मिल्क डाला है, और आधा गिलास मैंने इसमें दूध ऐड किया है। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए, दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि कंडेंस मिल्क थोड़ा गाढ़ा होता है, वो तले में जम जाता है, जमा हो जाता है नीचे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है सारी चीज़ें। अब मैं इसके अंदर वही रोज़ कलर ऐड करूँगी, पिंक कलर, और इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें एक बूंद मैंने रोज़ एसेंस भी डाला है, जिससे हमारे जो मिल्क है उसके अंदर भी बिल्कुल खुशबू आए अच्छी सी। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब मैं इन्हें साइड कर दूँगी। बिल्कुल सारी चीज़ें मिक्स कर ली है मैंने। अब चलते हैं हम केक की तरफ। केक भी हमारा पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं एक नाइफ़ की सहायता से आपको दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है ये। मैंने बीच से भी दिखाया आपको, कोनों से भी दिखाया। कम से कम मुझे इसे 40 मिनट तक बेक करना है, और आप भी 40 मिनट तक इसे इसी प्रकार से बेक कीजिए। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पास से ले जाके कितना इसमें बबल्स निकल रहे हैं, और एकदम फूल कर बिल्कुल अलग होकर निकल के आया है बिल्कुल हमारा केक। अब मैं इसे पलट लूँगी। पलटने के बाद मैं इसमें एक फोक की सहायता से थोड़े से इसमें गड्ढे कर दूँगी, जिससे हमारा जो रोज़ मिल्क है इसके अंदर अच्छे से जाए। तो चलिए, मैं इसे वापस से टिन में डाल लेती हूँ, और मैं इसके अंदर हमारा जो रोज़ मिल्क है मैंने तैयार किया है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और उससे पहले मैं उसे ठंडा होने रख दूंगी। उसके बाद मैं आपको विप क्रीम दिखाती हूँ। मैंने रिट्स की विप क्रीम ली है। अब मैं इसमें थोड़ी सी विप क्रीम निकाल लूँगी और इसे अच्छे से फेंट लूँगी। जैसे हम इसे थोड़ी देर फेंटेंगे, ये बिल्कुल विप क्रीम की कंसिस्टेंसी आ जाएगी इसमें, और आप इसे इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा फेंटते रहिए। आप मार्केट से लेके आएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगर आप बहुत जल्दी से घर में बनाना चाहते हैं तो। ये केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर रोज़ मिल्क ऐड करूँगी, जो मैंने बनाया है कंडेंस मिल्क से।
तो चलिए ये मैं जैसे इसमें ऐड कर रही हूँ, ये केक हमारा बिल्कुल इसे एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि हमारा केक बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बना है, तो अंदर तक इसमें रोज़ मिल्क जा रहा है और अंदर तक ये केक बिल्कुल मीठा हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं विप क्रीम की ओर। देखो विप क्रीम हमारी थोड़ी सी मेल्टी है, इसकी टेंशन मत लीजिए, जैसे ही इस पे जाएगी और थोड़ी देर में रूम टेम्परेचर पे आएगी तो ये बिल्कुल आराम से इस पे सेट हो जाएगी और अच्छी सी मोटी सी लेयर इसकी बनकर आएगी। तो देखिए मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ, फैला देती हूँ इसे चारों तरफ से, और ये हमारी विप क्रीम इस पे अच्छे से सेट हो गई है। देखिए हमारी विप क्रीम इस पे अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं इसके ऊपर बादाम को क्रश करके ऐड करूंगी। उसके लिए मैंने इससे पहले एक बार इसको लेवल में करना चाह रही हूँ मैं, जिससे ये हमारा केक बिल्कुल लेवल में आ जाए। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम के टुकड़े जो मैंने कट करके रखे थे पहले, वो मैं इस पे स्प्रेड कर लूँगी देखिए। और आप चाहें तो इस पे पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, और आपके पास अगर रोज़ पेटल्स हैं तो आप वो भी इस पे ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा केक बिल्कुल यमी दिख कर तैयार होगा, बनकर तैयार होगा। बाकी और अब इसे मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। जैसे ये थोड़ी देर में ठंडा होगा, ये केक बिल्कुल एकदम, इसकी क्रीम बिल्कुल एकदम फ्लफी मस्त सी दिखाई देगी हमको। और ये कट कर मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसे बाहर निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने केक बाहर निकाल लिया। अब मैं इसमें रोज़ मिल्क ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने रोज़ मिल्क इसमें ऐड कर दिया है, और अब हमारा रोज़ मिल्क केक बिल्कुल तैयार है मुँह में घुलने के लिए। तो चलिए इसे खाइए, ये मेरे सारे व्यूअर्स के लिए, और मेरी तरह आप बिल्कुल रोज़ मिल्क केक बनाइए, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगी रेसिपी। मेरे चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक यू।